खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चीजी समोसे। ये बहुत मजे के बनने वाले हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए जी हम बनाते हैं चीजी समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप बंद गोभी और 1 गाजर लेके मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। और इसमें 1 कप जो है मैं चिकन जो है मैंने बॉइल कर ली थी वो मिक्स कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं नमक ले रही हूँ और 1 टीस्पून मैं ब्लैक पेपर ले रही हूँ। 1 टीस्पून मैं रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मज़ीद जो है स्पाइस चाहिए तो आप मज़ीद मिर्च डाल सकते हैं। अच्छा, 1 कप जो है मैंने चेडर चीज़ ली है और 1 कप मैं मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ, यानी कि दोनों बराबर हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे समोसे की पट्टियाँ या मांडवा। मैंने 2 दर्जन के करीब ली हैं। देखिए इस तरह से हम इसको लेंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। बहुत आसान है। अब देखिए इस तरह से हमने बना लिया है तो इसके अंदर हम ये जो हमने बनाया हुआ है इसकी फिलिंग कर लेंगे। अच्छे से मसाले को भरने के बाद इसको हम जो है फोल्ड करके और बंद कर देंगे लई की मदद से। अच्छा, ये किस तरह से बनाते हैं लई मैं पहले बता चुकी हूँ कि 2 चम्मच मैदा लेंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। देखिए इस तरह से हमारा जो समोसा हमने बना लिया एक, अब मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ। देखिए इसको इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे, कोन की शक्ल पहले बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम सब कुछ भर देंगे। हाथ की मदद से कर ले, चम्मच की मदद से कर ले, जैसे आप चाहें इसको अच्छे से हम कर लेंगे, जितना आपको इसके अंदर आपको मसाला भरना हो। और उसके बाद इस तरह से फिर इसको फोल्ड करते जाएंगे और लास्ट में हम फिर इसका पेस्ट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से हमारा सील हो जाए। अच्छा जी, तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसको मैं धीमी आँच पर फ्राई कर रही हूँ। आपकी कढ़ाई अगर बड़ी है तो आप सारे समोसे एक साथ डाल सकते हैं और अगर छोटी है तो कम कर दीजिएगा। देखिए इतना मतलब तेल हमारा गर्म है कि इसमें से देखिए अब हल्के हल्के बबल्स उठना शुरू हुए हैं। बस इसको फ्राई करके गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको आप फ्रीज करके भी रख लें, कोई अगर मेहमान आ जाए आपके यहाँ घर में अचानक से तो देखिए ये बहुत जल्दी जो है ना फ्राई होने वाला है। डीप फ्रीज़र भी करके रखेंगे तो इसी टेम्परेचर पे आप इसको ऑयल को गर्म करें और फ्राई करें। चलिए जी इनको हम निकाल लेते हैं। मज़ेदार से हमारे चीज़ी समोसे तैयार हो चुके हैं। ये शाम की चाय पर आप रखें या थाल में रखें, बहुत मज़े के लगेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।